तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। हम आज सभी आप सभी के लिए लेकर आए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये दूसरा वीडियो है इस झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दाल विद्रोह कब से कब तक चला था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपके लिए कुछ समय हम देते हैं, तो चलिए हम उत्तर बताते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है सी नंबर, यानी कि 1765 से 75 तक हुआ था, तो इसका सही उत्तर सी होगा। अगला जो सवाल है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज दूसरा जो वीडियो है इसका, तो रेगुलर देखना चालू कर दें हमारे वीडियोस को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 140 सेंटीमीटर। अगला जो वीडियो है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है। इसका सही उत्तर जो है वो है मूरी, यानी कि डी नंबर सही आंसर होगा इसका। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है, ये आपके लिए थोड़ा सा हम समय देते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है रांची, इसका सही उत्तर है। अगला जो सवाल है वो है रांची उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं अक्सर जेएसएससी के एग्जाम्स में, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है 2000 ईस्वी में रांची उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। जिला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है, इसका तो सही उत्तर आपको पता ही होगा अगर आप झारखंड वासी हैं तो, कि झारखंड में कोयला भंडार भरा हुआ है, यानी कि कोयला का भंडार है झारखंड में, तो ये तो पहला ही होगा इसका। अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। काली मिट्टी कैसे सेलों में बनती है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, काली मिट्टी कैसे सेलों में बनती है। इसका जो सही उत्तर होगा आपके लिए हम थोड़ा सा समय देते हैं। इसका सही उत्तर है बी नंबर, यानी कि बेसाल्ट में बनती है काली। अगला क्वेश्चन जो है, राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी कौन सी है। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली कौन सी मिट्टी है, इसका सही उत्तर है काली मिट्टी, यानी कि इसका सही उत्तर डी होगा। यहाँ पे ऑप्शंस के ऑप्शन में जैसे है कि काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो की ओर, चलिए क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। अगला जो सवाल है, हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। ये जो गर्म जलकुंड है ये किस जिले में स्थित है, हरहद और टाइगर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है हजारीबाग, यानी कि यहाँ ऑप्शंस पर डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए और होगा भी मेरे ख्याल से लगता है। इसका जो सही उत्तर है वो है राजमहल ट्रेप में काली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी राजमहल ट्रेप में। तो अगला जो सवाल है वो है, चरक खुद्र गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। ये जो गर्म जलकुंड है, थोड़ा सा आज जलकुंड के बारे में हम डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, तो चरक खुद्र गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो थोड़ा सा आपको समय देते हैं और आपको तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है धनबाद। चरक खुद्र गर्म जलकुंड धनबाद में स्थित है। संथाल विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, संथाल विद्रोह का अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हुल,
संथाल विद्रोह को हुल नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है, झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हजारीबाग। झारखंड में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन हजारीबाग में होता है, तो इसका सही उत्तर हजारीबाग होगा। अगला जो सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कि झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए नंबर, यानी कि रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो है सेल, बोकारो सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला जो सवाल है वो है, झारखंड में केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है? झारखंड में केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी, सॉरी, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी नंबर, यानी कि एक विश्वविद्यालय है झारखंड में। तो अगला जो सवाल है, सांथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सांथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर जो होगा वो है सिद्धू कानू होगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका जो सही उत्तर है वो है डी नंबर, यानी कि सिद्धू कानू। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों थैंक यू।